नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक रंग हैं, यहाँ कला संस्कृति और खूबसूरती है। इसी कला संस्कृति और खूबसूरती का अटूट हिस्सा है गोरखपुर महोत्सव। 11 जनवरी से शुरू हुआ ये महोत्सव जिले के चंपा देवी पार्क में 13 जनवरी यानी आज तक चलेगा। इस महोत्सव में अलग अलग तरह के आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कभी कैलाश खेर ने तेरी दीवानी के सुर लगाकर ऑडियंस को दीवाना बना दिया, तो वहीं आज अपने चहेते कलाकार सोनू निगम को सुनने के लिए सर्द भरी रातों में भी लोग घर से बाहर आने को बेकरार हैं। और तो और, लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी अपने सुर के जादू पर ऑडियंस को थिरकने पर मजबूर करने के लिए आज तैयार हैं। इस महोत्सव के कुछ और रंगों पर बात करें तो महोत्सव में पूर्वांचल के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा के साथ साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और पंजाबी समेत अनेक व्यंजनों का स्वाद लोग चख रहे हैं। साथ ही गोरखपुर की मशहूर मिठाइयां भी दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। वैसे ये गोरखपुर महोत्सव कई लोगों के लिए यादगार बन गया। इस महोत्सव में कईयों ने गोरखपुर रत्न सम्मान अपने नाम किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आदित्य यादव का, जो कि मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये ब्राजील में आयोजित डेव ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वहीं गोविंद सहानी, जो कि एशियन चैंपियनशिप 2022 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता हैं। वहीं अतुल सिंह एशियन चैंपियनशिप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता हैं। वहीं बात अगर अमन राज की करें तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो कि श्रीलंका, यूएई, भूटान, थाईलैंड और एशिया कप में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। वहीं डॉक्टर अनीता अग्रवाल, जो कि वन्य जीव और पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय संस्था हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका हैं, ये हिंदी साहित्य अकेडमी से 2 बार सम्मानित साहित्यकार पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान दे चुकी हैं। वहीं डॉक्टर सीमा मिश्रा गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वॉन हेबोल्ट फेलोशिप से सम्मानित हैं, दी बायोलॉजी सेंटर ऑफ चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज लिप्जिंग जर्मनी से बतौर DFG रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जुड़ी हैं। वहीं SK अग्रवाल उद्योगपति हैं और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक सचिव, पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बात अगर संगीता पांडे की करें तो महिला उद्यमी हैं और 1500 रुपए से कार्य शुरू कर पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है और साथ ही 100 महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। वहीं डॉक्टर चारुशीला सिंह शिक्षिका और राष्ट्रीय ख्याति की कवयित्री हैं। वहीं अशोक महर्षि 1972 से रंगमंच के क्षेत्र में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कृत हैं और 18 फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि महोत्सव के आयोजन से क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो भारतीय संस्कृति को ऐसे महोत्सव से बढ़ावा मिलता है, साथ ही पर्यटन, विरासत और सामाजिकता को भी बल मिलता है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आप गोरखपुर महोत्सव गए या नहीं गए कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।